परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे या ऊंग है या उठ चले ना और बात चलावे। जैसे हमने देखा कई बार किसी भक्त को हम साथ ले जाते हैं गुरु जी के सत्संग में, ऐसे कह सुन के प्यारते हैं, कोई जान पहचान का शर्म शर्म से आ जाता तो थोड़ी देर तो बैठता सत्संग सुनता, फिर या तो लटके लेने लग जाता इन, फिर उसका हम छेड़ते सोवा मत नोका, चल चल लांगे चल, मतलब कुछ काम याद आ गया। ये वो ना तो आप सुने हमने ना हमने सुन दे, क्यों उसके पाप ना टिकने दें। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे और कह ऊँगे और कह उठ चले ना उरे बात चलावे। सत्संग हो रहा होता है, वो पहली बार जो हम लेकर गए एक दो बार ऐसा चांस हुआ तो उसको सत्संग चल रहा है और बीच में कुछ और बात याद दिला देगा, वो काम था ना एक अपने वहाँ जाना था, उसको हम कहते डट जा थोड़ी देर सत्संग सुनने फिर बातें करेंगे। फिर कहा मैं चलूँ तो आ जाइए, अब जा भाई हम तो नहीं उठ सकते क्योंकि हम तो जिस उद्देश्य से आए हो काम करेंगे करेंगे। तो हमें पता था भगवान के उस थर्मामीटर से पता लग गया था कि इसके बुखार है अभी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुहावे और कह ऊँगा कह उठ चले ना और बात चलावे। और फिर वही प्राणी देखे हमने एक दो बार ऐसे आए, फिर क्योंकि तो एक इंजेक्शन लग गया सत्संग में आ गया, 10-20 मिनट भी बैठ गया प्राणी तो भी नरम हो गया उसका पाप। और फिर वही आदमी है 2-2 घंटे जो एक टक देखते रहते हैं आगे और क्या सत्संग होगा, आगे और क्या बताएंगे गुरु जी। कई बार तो ऐसे होता है, अरे थोड़ा ही सत्संग हुआ आज तो भाई, 2-2.5 घंटे को भी ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ही सत्संग हुआ, तो पाप आपके कट गए और रुचि भगवान में बढ़ गई। तो जैसे बीमार व्यक्ति पहले एक रोटी मुश्किल से खा पाता है और उस दिया सेवन करने लगता है और फिर देखे जब बुखार उतर जाता है तो सूखी रोटी होगी नोगे ले आ फटाफट, सब्जी की आवश्यकता नहीं सूखी खा जाएगा। और जब पहले वो सारे स्वस्थ भोजन बना रखा होता है 36 प्रकार की व्यंजन का, वो भी नहीं अच्छा लगता था। तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से ये तत्व ज्ञान सुनने से हमारे युगों युगों के पाप नाश होते। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो वो स्थान ही नहीं जहाँ पर हम पाप नाश कर सकें। जैसे आप संसार में जाते हैं किसी भी कार्य में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सारी रोजी रोटी रोजगार व्यवसाय के व्यक्ति मिलेंगे, उनकी एक जैसी चर्चा एक जैसे विचार एक जैसा भाव एक जैसी क्रियाएं होंगी, तो वहाँ तो आपके पाप बढ़े ही बढ़ेंगे। अब ठीक है काम भी करने पड़ेंगे, फील्ड में भी जाना है और सब कुछ हमने करना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तरीका बताया है। जैसे आप प्रतिदिन कपड़ा पहनते हो
और काम करते हो, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, या कोई अन्य व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, तो कपड़ा मैला होता है, तो मैला होगा, स्वाभाविक है वो। तो फिर उसका तरीका है कि उसको साबुन और जल के प्रयोग से स्वच्छ करो, डेली धो लो उसको। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करते, जब तक हम सत्संग रूपी इस सरोवर में नहीं आते और राम नाम का साबुन हम नहीं लगाते, तब तक तो हमारा अंतःकरण रूपी शरीर चोला जो है अंतःकरण, ये मैला मैला हुआ था, पाप ही पाप इकट्ठे हों थे। अब हम सत्संग भी सुनते हैं, स्मरण भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो हमारा जो मैला तो होना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो साफ भी डेली हो रहा है। इस प्रकार से हम उन करोड़ों पापों से बचे रहेंगे और वो संग्रहित ना होंगे। अब जैसे गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप ना होते हों इस पृथ्वी पर, कोई भी अग्नि धूमा रहित नहीं है। फिर उसमें ये साथ में निर्णय दिया है कि जैसे जो कर्तव्य कर्म है उनको करने से पाप नहीं लगता, जैसे कि किसान खेती करता है तो खेती करेगा, उसमें तो करोड़ों जीव मारता है सारा दिन में, वो हल के द्वारा फाड़ता है जमीन को, बहन बेटियां पोछा लगाती हैं, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाते हैं, वो जीव मारते हैं जो हानिकारक होते हैं बॉडी के अंदर, और वैसे भी कोई व्यापार बिजनेस के लिए अपने मजदूरी के लिए चलता फिरता है, या कस्सी से धरती खोदता है, कोई भी काम करता है, रोटी बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, इन सब में पाप होते हैं। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि इसका एक विधान है, मानव शरीर प्राप्त प्राणी को गुरु बनाना अनिवार्य है। जब ही बच्चा 3 वर्ष का हो जावे उसके लिए गुरु होना अनिवार्य है, अध्यात्म गुरु। अब जैसे पुण्यात्माओं जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे, और गुरु बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, जिनके जो अधिकारी नहीं हैं। अब जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चालक प्रमाण पत्र, तो जिसके पास चालक प्रमाण पत्र अथराइज्ड है, ठीक ढंग से बना हुआ, सही अधिकारी से बनाया हुआ ड्राइवर लाइसेंस है, और वो गाड़ी चला रहा है और किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी उसका लाइसेंस देखेगा। यदि उसके पास लाइसेंस है तो 90% बच गया कि ये अनट्रेंड नहीं है, इससे जो गाड़ी चलाने में कोई गलती नहीं हुई, कोई और सर्कमस्टांस बन गए हैं जिस कारण से दुर्घटना हुई है। और यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो सीधा ही दोषी है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, गाड़ी चलाने का वो अधिकारी नहीं, चलानी उसने आती नहीं और गाड़ी लेके चल पड़ा, तो वो सीधा दोषी है, कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इसी प्रकार जो गुरु नहीं बना रखा जिन्होंने और नकली बना रखे हैं, तो उनसे ये पाप तो होते ही हैं, क्योंकि सभी कोई मजदूरी करता है, कोई किसान का काम करता है, कोई कुछ करता है, तो उनसे जो पाप होते हैं वो उनको भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर रूपी गाड़ी जो चलाई है इसका लाइसेंस नहीं बनवाया। लाइसेंस बनाते समय अधिकारी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि राइट मोड़े तब ऐसे देखे, लेफ्ट में करे तो वैसे देखे, फर्स्ट गियर इतनी स्पीड पर हो, सेकंड दूसरी इतनी पर हो, ब्रेक ऐसे लगाए, सावधानी बरतनी चाहिए, इतनी दूर से स्लो कर देनी चाहिए गाड़ी को, यानी पूरा ट्रेन कर दिया जाता है, जिस कारण से वो दुर्घटना कर ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार सत्संग के अंदर जो गुरुजन होते हैं, इस शरीर रूपी गाड़ी जो उसको प्राप्त हुई है जीव को, उसको चलाने से पहले उसने उसकी सारी कुछ क्रियाओं का और सभी फॉल पॉइंट्स का प्लस माइनस सारी सिखाई जाती है। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जा, कहे कबीर तास का वही पाप नहीं लगे,
जान का निवारे जैसे कोई चल रहे हो रास्ते में और कीड़ियों का नाल आ गया, जानबूझ के उनके ऊपर पैर नहीं रखे, कोशिश करे बचने की। अगर आप रास्ता है थोड़ा सा, इधर फसल है इधर फसल है और पानी भरा फसल में आप रास्ते पर से जा रहे हो, तो उसके ऊपर कीड़ी आ गई है तो आपका इच्छा उनको मारना नहीं है, और वो क्योंकि वो गलत स्थान पर आ गए, उनका रास्ता नहीं है वो, तो वहाँ अगर आपके पैर के नीचे कोई मर भी जाता है तो आपको मन में मलाल रहे, ये ऐसा भाव बना रहे कि हे भगवान ये हो रहा है पाप लेकिन मजबूर हूँ मैं। और जैसे किसान हल जोतता है तो उसका वहाँ जीव मारना उद्देश्य नहीं है, वहाँ उसने वो कर्तव्य कर्म उसका जो अलाउड है वो कर रहा है, तो उससे पाप नहीं होगा उसको। उसके ऐसे जो पोचा मारते हैं, उपदेश ले रखा है उनका इच्छा जीव, उनका उद्देश्य जीव मारना नहीं है, वो सफाई करना, नहीं तो वो हानि कर देंगे शरीर को, उसको हानि पहुंचा देंगे, तो इसलिए वह पोचा लगाना, फिनाइल वगैरह जो भी तुम लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, तो उसका पाप नहीं होता। फिर दूसरा, फिर भी थोड़ा बहुत मैल अगर बनता है तो हम प्रतिदिन नित्यनियम करते हैं, मंत्र करते हैं, साबुन और जल हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, अंतःकरण की सफाई हो ही जाती है। तो इस प्रकार हम इस जीवन को सफल करेंगे। तो आपका लाइसेंस बन गया है और आप इच्छा कर नहीं मार सकते, इच्छा कर मारते हो तो फिर तो अपराधी हो ही, जानबूझ के जैसे कोई लेकर जूते ऐसे मकोड़े मारने लग जाए वो तो मूर्ख है, फिर ऐसे भक्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम इस स्थान पर हो रहे इन पापों से बच सकते हैं, और ये ऐसा स्थान है पुण्यात्मा, जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक पाप तो नाश होंगे नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत कोई अच्छा गाइड करता है, बुरे भले का ज्ञान करा भी देता है, तो उससे पाप और पुण्य दोनों ही संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। अब ये ऐसा स्थान है जैसे किसान खेती तैयार करने के लिए, फसल तैयार करने के लिए, और जमीन को कितनी बार हल से जोतता है, हल से उसको गुड़ाई करता है, उसने बाता है और बा के उसको घास रहित करता है। हरियाणा क्षेत्र में खासकर रोहतक, सोनीपत, भिवानी और ये जींद, करनाल आदि के जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा की, इनमें हमें देखा है कि फसल तैयार करने के लिए गेहूं बोने से पहले कम से कम 4-5 बार वैसे जमीन को सूखा बहाना पड़ता है ताकि वो घास फूस रहित हो जावे और फिर फसल बोई जाती है। और पुण्यात्मा तब जा कर के उसमें बीज भी डाला जाता है, उसकी भी कीमत लग गए, हल से खेत ट्रैक्टर से जमीन को बोया है, गुड़ाई कराई है, उसके पैसे लगे, बीज बोया उसके पैसे लगे, और फिर खाद पानी डाला उसके पैसे लगे, तब जा कर के मुश्किल से गेहूं की कनक दिखाई देती है, प्राप्त होती है इतना प्रयत्न करके, इतनी मेहनत करके। तो फसल तैयार करने के लिए, कनक प्राप्ति के लिए तो किसान को कितना मेहनत और खर्चा करना पड़ा, और उसी जमीन को बिल्कुल ना बाओ ना समारो, छोड़ दो फरी, एक वर्ष के अंदर उसमें इतना डंगा इकट्ठा हो जाएगा, दिखाई भी ना दे यहाँ क्या जमीन भी है कि नहीं, नो फंस जाएगा है? तो ये जो अड़ंगा बेमतलब का जिन अनावश्यक जो ये ताप हो गया, और कनक तैयार करने के लिए, गेहूं तैयार करने के लिए मेहनत भी करी, पैसा भी लगा, और फिर भी कोई ना कोई झटका, कोई ओले गिर गए, कभी कभी फ्लड आएगी, कभी सूखा पड़ गया, वो समस्या न्यारी रहती है साथ पैरेलल, तब जाके कि कहीं पर ये गेहूं दिखाई देते होते हैं, प्राप्त होते हैं। और अड़ंगा अप हो गया तो ये ऐसा स्थान है, ये काल का, ये पृथ्वी लोक, ये सारे लोक है, इस पे पाप तो बिना करे होंगे, और पुण्य करने के लिए उस किसान की तरह विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसे भी लाने पड़ेंगे, टाइम भी निकालना पड़ेगा, और तब जा करके आपके पुण्य बनेंगे। ये लोक ही ऐसा है,
पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाते हैं कि आप धर्म भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो और तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो, और फिर कहते हो हम कोई पाप नहीं करते। तो परमात्मा ने उनको समझाया, पहले तो तेरे पाप गिनवाऊं कितना करता है दिन में। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो चौका लीपते हो, रोटी बनाते हो, चोला चौका करते हो, इसमें सत्र ब्राह्मण की हत्या तो एक टाइम के खाना बनाने में आप कर देते हो। ब्राह्मण मीन भक्त, संत आत्मा की हत्या का बहुत गणा पाप शास्त्रों बताया है। तो परमात्मा याद दिला रहे हैं कि ये तो तुझे मालूम है कि एक ब्राह्मण की हत्या का कितना पाप होता है। तो अब बताता हूँ कि सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो लीप लाप कर डेली पोचा मारते हो, सत्र ब्राह्मण की इतना जितना पाप कर देते हो। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो हो ही, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मणों की हत्या उस समय कर देते हो जब तीर्थ में जाकर या किसी जोड़ तालाब में आप स्नान करते हो, ऐसे सूक्ष्म जीवों को रगड़ रगड़ कर मार डालते हो, और पुण्य एक भी ना होता तीर्थ पाने का, और पाप ढेर सारे हो गए। हरी बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। सूक्ष्म कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। हरी बाती पृथ्वी के रंगा, आपने देखा होगा छोटे छोटे जीव पृथ्वी जैसे कलर के, घास जैसे कलर के, दिखते भी नहीं और वो मर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तारक मंत्र कोट जपाही, ये जीव हंसा उतरे नाही। जिन मंत्रों का तुम जाप करते हो, जिन भगवानों का तुम मंत्र जाप करते हो, इनके मंत्र के जाप से करोड़ तारक मंत्र कर लियो, तुम्हारे फिर भी पाप नहीं कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाय तीनो ताप। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप का भी नाश नहीं हो सकता। अपने आत्मा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हम भक्ति करते करते भी फेल होकर गए पृथ्वी से। अब दया करी परम पिता ने, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतपाले। किसे दयालु दाता, खुद परमात्मा आए सतगुरु रूप बना कर ऐसे दीन दयाल, ना उनको क्या हो सकता थी इसे बढ़िया लोग को छोड़कर यहाँ धक्के खाए, काशी में दानक जुलाहा बनाए बने, लोगों ने पत्थर मारे। वो उसी समय ये ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको उस परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना बांट रहा है, उस मालिक का दिया हुआ ये ज्ञान आप तक पहुँच रहा है। उनके साथ तो जो जुल्म किए थे वो तो सुन लेते हैं तो दास की आंखों से आंसू नहीं सूखते, और अब इस दास ने जब परमात्मा के उस ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया तो दास के साथ कितना जुल्म ढाए, झूठे अफवाहें फैलाई, झूठे मुकदमे बनाया, जेल में डाला, लेकिन समर्थ का संग है, उसका वचन है कि पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, पूरे बच्चे उसके परमात्मा के भक्ति किया करेंगे। एक बार पुनः सत्युग जैसा माहौल इस पृथ्वी पर होगा, वो होगा इस ज्ञान से, और भगवान आपका पल पल पर साथ देगा। आप पर बुराई ना करोगे, और बुराई करोगे तो आपको पाप दिखाई देंगे, आप कर नहीं सकते, और जो आपकी आवश्यकता वस्तु होगी भगवान आपको सुबह रखे पाओगे आपके द्वार के सामने। ये वो समर्थ है, कोई बालक नहीं। और तभी हम बुराइयों से बचेंगे, भगवान से डरेंगे, जब हमें किसी चीज़ का अभाव रहेगा ही नहीं घर पे, क्योंकि पहले तो हम अपनी इच्छाओं की कमी करेंगे, और जब तक इच्छा कम नहीं होगी हम भक्ति नहीं कर सकते।
इच्छा कम कैसे होंगी कि हमें पता लग जाएगा कि हम जो संग्रह कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाने के लिए, ये तो मूर्खों का काम दिखेगा आपने, महामूर्ख करेगा इस काम को। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक कबीर साहब कहते हैं, आपको फिर ऐसा ज्ञान होगा, आप परमात्मा के भक्ति और ज्ञान को और सत्संग को प्राथमिकता दिया करोगे, और संसारिक काम में कोई देरी भी होगी तो आप भगवान पर विश्वास करोगे कि मालिक आप पर संभालोगे। संभालना भी उसी ने है, जीव तो अपने सत्र का प्रयत्न ही कर सकता है। अब जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण दास ने इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं हमारी, हमें ज्ञान की टॉर्च मिल जाती है, उसके चांदने में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं। इस दास ने दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने से 2-3 वर्ष पहले, सन 1983-84 की बात है, रोहतक में दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर। तो वहाँ एक बैंक मैनेजर था, बैंक मैनेजर ने रोहतक में सेक्टर वन में या तीन में जो ध्यान नहीं इतना, उसमें कोठी बनाई, कुछ तो बैंक लोन दिया, कुछ अपना जुगाड़ जोड़ रहा था। उस समय 3.5 लाख रुपए लगे थे उसके, उस समय के 3.5 लाख राज के 35 लाख, और वो कोठी बनकर तैयार होगी, उसकी मूर्त के लिए पंडित बुला रखे, गुरुजी आ रहे, और उधर से सारे अपने रिलेटिव और मित्र फ्रेंड्स बुला रखे। पहले तो हवन हवन करना था, फिर उसके बाद गुटी शूटी का प्रोग्राम था अलग से कमरे में। संडे का दिन था, संडे था, रविवार था, और उसको कोई वस्तु लाने के लिए वो स्कूटर उठा कर और बाजार में जा रहा था। मेडिकल मोड़ बोल रहे हैं वहाँ पर, दिल्ली रोड के ऊपर एक मेडिकल मोड़ है, मेडिकल मोड़ के ऊपर एक टू व्हीलर थे, उसका टू व्हीलर टकरा गया स्कूटर से, स्कूटर उसने तो स्पीड हो रही थी, आगे ध्यान थी, धुन लग रही थी उसकी, तो गुटी छुट्टी लाऊंगा और फिर आज मुहूर्त हो गया कोई ठीक है, स्कूटर से स्कूटर टकरा गया और गिर गया। ऐसे पड़ते ही एक फुटपाथ था, फुटपाथ पर लगी कनपटी, वहीं इस प्राण पूरे हो गए उस भाई के। अब मुहूर्त धरी धराई रहेगी और 3.5 लाख की कोठी खड़ी खड़ाई रहेगी, क्योंकि अपना जाने की तो कुत्ता बनकर सैर सपट्टे कर रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे को ये दिखाई देने लग जाएंगे, फिर हम केवल उसी डलों को नहीं ढोएंगे, हम साथ में भगवान आधार दूर बना कर रखेंगे। तो फिर हमारा कोई कार्य ना भी हो तो हम विश्वास सबर करेंगे परमात्मा की दया, इसमें कोई हित है हमारा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये बहुत खतरनाक जो दौर है इस कलयुग का, इसमें थोड़ा सा सुविधा मिली है हमारे को, शिक्षित हुए, अच्छी तरह नान धोने लग गए, बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट बना बैठे हम, इंटरनेट लगा लिए, हवाई जहाज बना लिए, अरे भगवान से हम कोसों दूर हो गए। एक बार दास एक अपने भगत के यहाँ गया था जहाज से, तो वापस आ रहे थे, मेरे साथ एक और भगत था, तो जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक है कि हम मंगलाचरण करते हैं, चाहे गाड़ी बैठे हों चाहे वैसे चले सफ़र करते समय, तो मंगलाचरण अवश्य पढ़ते हैं। जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, तीन वाली सीट पर बैठे थे हम, दो एक तीसरा लास्ट में बैठा था, अप टू डेट शायद युवा लड़का 24-25-30 साल का। हम मंगलाचरण करने लगे मन मन में धीरे धीरे ऐसे करके, तो वो जब हमारा वो पूरा हो लिया तब वो कहता है, आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे। अरे वाह, 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज भी तो भगवान मानते हो, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ये है वो। हमने बोले मैं इस मूर्ख गेला के माथा मारा ही के समझावे इसने, क्योंकि इसकी तो बुद्धि खराब हो रही है,
थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया होगा, कोई नौकरी बढ़ गया होगी इसकी, और ये जहाज बना लिया थी इसने, सब कुछ बना लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो पुण्यात्माओं या काल ने हमारे एक और भगवान के बीच में बाधा खड़ी कर दी है विज्ञान, लेकिन ये ज्ञान से समाप्त हो जाएगी, इससे बड़ा विज्ञान है ये तत्व ज्ञान। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो या सारी विज्ञान यहीं पड़ी पढ़ाई रह जाएगी, ना कोई टीवी देखनी आ रहा है, ना जहाज में बैठनी आ रहा है, भूखे मरकर टक्कर मार मार के मर जा दुनिया, तो खाक है ये विज्ञान। असली विज्ञान तो ये है कि परमात्मा की भक्ति करो, सारी आपदाओं को टालेगा, जियोगे तब तक सुखी रहोगे और कोई अभाव नहीं होने देगा इस पृथ्वी पर भी, ऐसी वर्षा करने लग जाएगा भगवान अपने भक्तों के लिए, हरे भरे बाग बगीचे बना देगा इसने के देर लग गए है, और सतयुग जैसा माहौल बना देगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को आधार बनाकर जीना पड़ेगा यदि हम भक्ति करना चाहते हैं। तो यहां भगवान बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन में लारे, सत नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन में लारे, मारे सत गुरु दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन में लारे, कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़े भरा एक थैलारे, कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़े भरा एक थैलारे, खाली आया खाली रे जागा संग चले ना दे लारे, खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे, मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन मै लारे, मारे सतगुरु दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन में लारे, सत नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हे लारे सत नाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे, मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही रे बिछोड़ जा,
जागा हंस अकेला रे, यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में, सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन मेला रे, भगवान सुमर मन मेला रे, मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन मेला रे, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे, इस पद का तुम भेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे, रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे, मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के कौडी कौडी माया जोड़ी और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति, बैंक वैंक थे नहीं चोरों के डर से, तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना, बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें, फिर वो सर्प बन के आते हैं वहाँ पर, धक्के खाते फिर आ गए उसमें उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है, और सर्प बन के फिर वो धन में खोजता हुआ वहाँ घर में घूमता है, और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि, फिर उसकी देही तोड़े उसने मारे लट्ठा के लिए। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौडी कौडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे, और खाली आया था तू, और खाली ये जागा संग चले ना धेला रे, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में रोज बिरोजी वो जम के पड़े जंजीरम, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहां से जाने लगा,
और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धने भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो। और वो कुछ ना लेकर गया, खाली हाथ गया यहाँ से सदभक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है, चाहे छोटा मोटा यहाँ से राह की राह तुम्हें मिल भी जाओ, उससे उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे, सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना भी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहाँ गए थे, भगवान तो वहाँ था नहीं, मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए, आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो उस भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो भी हम हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहाँ जा के पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो अगर कोई करनी है तो वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहाँ जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, स्वप्ने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे एक यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं, और चेला थोड़ा चंचल होता है पक्षी तो वो भी होता है, चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे, ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है, इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते हैं। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित चेला रे। अब कैसे, इस मन की आदत है अटपट सोचन की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखे, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनाएगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा, चल पिकनिक बना कर आते हैं है? और उन पिकनिक पर जाकर ने ये आधे लोग तो वहाँ हिली स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखे, और बाकी समय इसको अपना संसारी काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखे, तब इस मन से हम जूझेंगे तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना,
तो गुरु जी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी, गुरु जी चले गए कहीं किसी काम बस एक दिन बाहर, तो चेला अकेला उसने सोची आज विद्या प्रयोग करके देख लें गुरु जी ने जो शिक्षा दी बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र मंत्र बोल दिए, वहाँ सामने एक जंद खड़ा हो गया आके जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है, मैं हूँ जंद और मेरे गुण सुन ले पहले तो, मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूँगा, और यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊँगा, फिर और काम न कुछ नहीं, तेरे को मारूँगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ, उसने एक दो काम बताया चलाटा मांग लिया, वो तो दो मिनट में थैल भरवा लिया दौड़ी आटे की रख दिया, फिर कहा आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया, पानी भर लिया दो सेकंड में, बोल उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसूता काम, बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए दो मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊँ इसने, इतने वो चेला गुरु जी आ गए, दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरु जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरु जी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी तने, कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, या नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ भगवान ही तेनों कह, या तो काम बताना तुझे मारूंगा, काम मैंने सारे करवा लिए इस। तब गुरु जी बोला इसको ये कह दे कि एक बांस लियावा लंबा 40-30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और लिया एक मिनट में ला दे रख ले बोल। तब गुरु जी ने कहा कि इसको कह दे जमीन में गाड़ दे आधा या दो तीन फुट जमीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया, और अब इसको कह दे कि इस पर चढ़ है और उतर है, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने जरूरत होगी जब तेने बुला लूँगा इस काम ला गया रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पर इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चोचलों में आपको फिर से लगा कर भक्तिहीन कर देगा। तो परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी ये खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता, खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तेल का मचा रखा था, उस पूर्व पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीड खींच दी और मैं इसी को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी, इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से भक्ति से सिमरन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है इनसे आपके अनुकूल रहेगा, फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर लेकिन कर नहीं पाएगा, इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, अंतिम सांस तक जब तक घट में प्राण, किसी भी जैसे कई कहते हैं मैंने कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाट से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे, प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फ़ायदा क्या हुआ।
अपनी सटिड्डी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी अपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी काने। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरे सत्र की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा था, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्बे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा, उस समय इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमरतो प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, और कदे तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी काने। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ, जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें ध्यातम मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है, और वो आपको प्राप्त है। परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आत्मीय बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता। यहाँ से धड़ काट दिया, दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान के, लेकिन जैसा किया वर्कडन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर आधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, विवक्षण के अंदर आधीनी आई रावण के भाई में, रावण में आधीनी नहीं आई। तो जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाड़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की, शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी, और उसकी भक्ति के बिना आधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विवक्षण आधीन हुआ, परमात्मा मुनिंदर नाम से आए हुए थे, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के वशिष्ठ हुए थे, कौन मंदोदरी और विवक्षण, उन दोनों के अंदर आधीनता थी। तो रावण में आधीनी नहीं थी, आधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काले। फिर क्या बताते हैं, विभीक्षण का भाग बडेरा, दसा तन आया तिस नेड़ा, दसा तन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बक्सीसा। ऐसा दसा तन है भाई
लंक बकस्त्या देर न लाई। हाय हाय, अब देखो हम निमित्त बना देते हैं, राम ने भी भिक्षण को राज दे दिया। राम ने भी भिक्षण को क्यों दिया और को ना दिया? क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था और वहाँ की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था सतपुरुष की विभीषण, तो सब माहौल सब कारण करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा और दादू सर दर्जी के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहेब जी बता रहे हैं कि विभीषण का भाग बडेरा बड़भागी था वो, जिसकी दास सातन आया तिसनेरा, उसकी अधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं दास सातन आया विश्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बख्शीसा। बख्शीस में मिली उसने परमात्मा की सत भक्ति करने से। ऐसा दास सातन है भाई, लंक बख्शते वार ना लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा इधर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है, यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक सबको राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार, और वो एक झोपड़ी में बैठ के दुलाहे का काम कर किया करता था, वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा जिसको हम एक धान दुलाहा कहा करते, कवि कहा करते थे, और जिसके जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आ गए और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक एक असर फिर एक दौर दिया उस झोपड़ी में बैठे ने, वो दुलाहा था। वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे, लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे? कि आपको जीने के लिए, इस भक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसा मैं था। भगवान की रजा में राजी रहे, जो दे उसने खावे और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आपको आवश्यकता भी पड़ेगी इस जीवन में किसी भी प्रकार की, तो ऐसे मदद होगी जैसे परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, 18 लाख 200 व्यक्ति आकर बरात में, और एक वीक महीने पहले चिंतित हो जाता है पूरी फैमिली, आसपास के मित्र भाईचारा भी दुखी हो जाता है कि 200 आदमी आओगे, खाने की व्यवस्था करनी है। और खाने के लिए घर वालों को बाद में कहते पहले बरात ने जला जमा दो, कहीं कम ना रह जा भोजन। 18 लाख कलेजा हिल जाए प्रधानमंत्री का, 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है, तो वो क्या एक दुलाहे थे? तो परमात्मा ने ये लीला की क्यों? कि भाई भक्ति पाने के लिए गणित धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ही राम नाम धन है उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। और कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे, कई दुखी होते हैं कि हमें बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी हैं, टोटा बहुत है। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, और मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। वही सपूत है जो ऐसी सती थी भगवान पर आस्था रखकर, फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है आपकी दुख, आपका दर्द क्या उससे छुपा है? एक पल में जिस दिन आप प्रसन्न होगा, आपने प्रसन्न करना पड़ेगा उसको, और हृदय से ये रखा कि भगवान जैसे रखोगे नए रोएंगे, भगवान भूखे रखो चाहे प्यासे पर चरणों में रखना मेरे दाता, तो फिर देखना। फिर कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, जिस दिन आपकी समर्पित भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, फिर देखना आप सोच भी नहीं सकते इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आपको स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला। अब इसको बना के रखना, इस भक्ति को बर्बाद ना होने देना, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना
और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब ये परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाऊँ बोर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव की जय।